Hi students, how are you? Myself is Prakash Yadav and we are going to start the chapter periodic classification of elements. Sorry, we are not going to start. We have already started this chapter and today we will discuss about the next topic, atomic size. बेटा इससे पहले हमने modern periodic table पढ़ी थी, हमने आपको कुछ methods बताए थे, how can we predict the period, group and block of an element. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देने के बाद हम बता पा रहे थे कि कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है. आपने भी शायद प्रैक्टिस की होगी उस चीज की. अगर कहीं डाउट्स हो तो मेरे पास जरूर भेजें, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है. अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज या हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है या एटॉमिक साइज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं. कोई एटम है हमारे पास, ये कोई एटम है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है. तो एटम के न्यूक्लियस से लेके और आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं. ये एटम का सेंटर है और ये पार्ट है लास्ट. अब यहां तो लास्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज बोलते हैं. किसी भी एटम का साइज पता करना बहुत ही मुश्किल है. कैसे कि अकेला अगर हम एटम पहले तो मिलना मुश्किल है. दूसरा जैसे मान लो ये कोई मेटल है, इसमें से एटम को सेपरेट करना मुश्किल है. ये कोई एलिमेंट है, इसमें से एक तो एटम को सेपरेट करना मुश्किल है. फिर एटम का नंबर दो, एटम का साइज बहुत छोटा होता है. इसका साइज छोटा है बहुत ही, उसमें से फिर हमें इलेक्ट्रॉन देखना है, लार्ज सेल देखनी है और फिर इस डिस्टेंस का पता करना है. एटम को ही हम नहीं देख पा रहे हैं, रेडियस को देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि एटम के सेंटर से और न्यूक्लियस का पॉइंट पता करना मुश्किल है. दूसरी चीज, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो आउटर मोस्ट सेल है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. बेटा जरूरी नहीं है ये यही हो, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाद इस तरह से होता है. तो इसका जो लास्ट सेल है वो वेल डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है. तो हम इस रेडियस का पता करने में आसानी से नहीं पता कर सकते, हम डिफिकल्टी फील करेंगे. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अकेले एटम की इस तरह से पता करना क्या है, मुश्किल है. तो हम कैसे पता करते हैं, एक होती है, अब हम पता करेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई. टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक टाइप रेडियाई की टाइप कितनी होती है वो बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं. पहला है कोवेलेंट रेडियाई. क्या होती है कोवेलेंट रेडियाई, कि अगर मान लो हमने कोई एटम अकेला लेके उसकी हमें पता है एटॉमिक रेडियस पता करना बहुत मुश्किल है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था. अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, H2 मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन. अब मैं अगर बात करूं कि एक हाइड्रोजन एटम है
दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। हम क्या करेंगे, इनके दोनों के सेंटर को मैच कर देंगे, न्यूक्लियस के सेंटर को, और फिर उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, दैट विल बी इट्स एटॉमिक रेडियाई। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, रेडियाई। इसको हम कोवेलेंट रेडियाई का नाम दे देंगे, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दो टू हाइड्रोजन एटम्स। तो अब आप देखिए कोई भी दो एटम जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है उनके सेंटर को मैच कर दे और उनके हाफ कर दे। जैसे ये हाइड्रोजन मैंने बताया, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ था, इनके जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर को मैच कर दिया और उसका क्या कर दिया हमने, हाफ। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है इट इज कोवेलेंट रेडियाई। सेकंड वन इज वैन डर वाल रेडियाई। सेकंड टाइप मैं आपको बता रहा हूं क्या है, वैन डर वाल रेडियाई। क्या होता है बेटा वैन डर वाल रेडियाई, ध्यान से समझना। वैन डर वाल रेडियाई एक्सेल में शो कौन करते हैं, जो इनर्ट गैसेस है। अभी हमने बता दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग कर रहा है। लेकिन जो इनर्ट गैसेस है जैसे कि नियोन है, नियोन दूसरे नियोन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। कोवेलेंट बॉन्ड किस लिए बनाया जाता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने क्यों बनाया, अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। बाकी जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 एंड 7। दूसरा जो क्लोरीन है उस पे 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 है, ये इसका 8th इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये इसका 8th इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब क्या करोगे कि 7 इसके और 1 इसका शेयर कर लिया, तो क्लोरीन ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाया, बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा है, तो इसने क्या किया, शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब आप समझिए वैन डर वाल रेडियाई, अगर मेरे पास नियोन है, अब नियोन के जो वैलेंस सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, मैं ये लिख दूं कि नियोन के फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2, और सेकंड में कितने हैं बेटा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई भी ऑक्टेट पूरा क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए, ये स्टेबल होना चाह रहा है, क्योंकि ये क्या चाह रहा है, इसके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, लेकिन इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये नियोन है और दूसरा नियोन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ही इसमें है, 8 ही इसमें है, लास्ट सेल में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो अब इनकी कोवेलेंट रेडियाई नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियाई बोलेंगे बेटा, क्योंकि इनके बीच में फिर भी एक अट्रैक्शन तो होता है, ये थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं, उस अट्रैक्शन को, एक बहुत ही वीक अट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये एक दूसरे के नजदीक है, तो इनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी और उसका क्या हाफ क्या कहलाता है, वैन डर वाल रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ। वैन डर वाल रेडियाई, जिन एटम्स के बीच में वैन डर वाल अट्रैक्शन है उनके न्यूक्लियस के सेंटर और उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियाई। अब मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, I'm going to tell new thing that if we compare the coherent radii, this is coherent radii and this is van der Waal radii, it will happen that always van der Waal radii will be greater than coherent radii. देखो बेटा ये दोनों तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा कम मिलेगी, लेकिन यहाँ शेयरिंग नहीं है इनके बीच में, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, आप ये समझिए ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियाई थोड़ी सी बड़ी होगी हमेशा इससे कोवेलेंट रेडियाई से।
इसी वे में मैं बता देता हूं जो एटॉमिक रेडियाई होती है, जो एटॉमिक साइज होता है, जो इनर्ट गैसेस है, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था हिना निना और करीना, तो वो जो है उनमें वैन डर वाल रेडिएट टेक्स प्लेस करती है, वो हमेशा क्या होती है इन सबसे साइज उसका क्या होता है बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो यहां मैंने सेकेंड टाइप बता दिया आपको वैन डर वाल रेडिएट। थर्ड टाइप क्या है मैं बताता हूं आपको, थर्ड इज मेटालिक रेडिएट। थर्ड इज मेटालिक रेडिएट। ये क्या होती है भाई, अब बेटा अगर मान लो ये कोई एलिमेंट है तो ये किससे बना होगा, ये एटम से बना होगा। अब यहां पर ये एटम्स हैं आपके पास, ये सारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स आर मेड बाय द एटम्स, ये सारे इसके अंदर एटम्स हैं, नजदीक नजदीक हैं। तो जो सबसे नजदीक जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस और उसका जो हाफ होगा, तो ये जो रेडियाई बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी मेटालिक रेडियाई। किसी भी एलिमेंट में एटम सबसे क्लोज पैक जो एटम है, सबसे जो नजदीक है उनके बीच की डिस्टेंस, उनके सेंटर्स जो है उनकी डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियाई कहलाएगा। जो मैंने आपको बताया बैंड वॉल रेडियाई का साइज हमेशा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा रहेगा औरों के कंपैरिजन में, उस चीज को ध्यान रखना आगे यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, अब आयनिक रेडियाई के बारे में आप जानते भी होंगे कि आयन क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आयन क्या होते हैं। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। अब आप देखिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कट आयन बोलेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, अनायन बोलेंगे। तो ये कट आयन है और अनायन है। देखो जैसे कि हमारे पास सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए ये हो गया फर्स्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 1 2 8 1। मैंने 11th, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं सेंटर के अंदर, उन प्रोटॉन की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड देयर एग्जिस्ट ए अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनमें अट्रैक्शन है। एटॉमिक साइज मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट सेल तक का, ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं अन्य पॉजिटिव की, जब सोडियम के पास 281 है, ये स्टेबल होने के लिए अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। बिकॉज दिस सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, so it will acquire positive charge, and ne pe kaisa charge aa gaya beta positive, isko cation bolenge। ab dekho ye ek electron lose kar dega, to ek electron lose karne ke baad ab iske paas electron to kitne bach gaye, ek electron lose karne ke baad 10 electron hai, lekin proton lose thode kiya hai, proton iske paas kya hai 11। ab 11 proton 10 electrons ko attract kar rahe hain, kheench rahe hain, to iska size kya hoga भाई, ज्यादा पॉजिटिव है कम नेगेटिव है उनको ज्यादा खींचेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या आप ये समझ लो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो अब लास्ट सेल कौन सी बच गई है, अब हमारे पास एटॉमिक साइज कौन सा बच गया, ये बच गया। तो ये जो रेडियाई होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद या गेन करने के बाद जो रेडियाई होती है उसको हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। आप फिर से समझिएगा, मान लो मैं क्लोरीन की बात करूंगा, क्लोरीन में क्या है 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो गए 287। नाउ क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये हो गया 288, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद।
और आपने पढ़ा है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो सीएल पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव। पहले था फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड में बेटा हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो ये कितने हो गए? 8। अब आप देखना इसके पास 17 प्रोटॉन है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, कम प्रोटॉन रहेगा, इनको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो गए थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा जो कटायन है उसका साइज छोटा रहेगा, जो अनायन है उसका साइज हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। आयनिक रेडियाई की हम बात कर रहे हैं, तो जो अन्य पॉजिटिव या सीएल नेगेटिव की जो रेडियाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियाई। आयंस की जो रेडियाई होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हमने पढ़ा एटॉमिक साइज। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये एटॉमिक साइज है, ये वेरिएट कैसे होता है? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, वेरिएशन मतलब चेंज, कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि मैंने आपको बता रखा है बने आलू गोभी इन तेल, पीरियोडिक टेबल बनाई थी हमने, कहे सीता जी सुने प्रभु ना पी ऐसे सबके बीच, ओल्ड स्टाइल से टिपो, इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर कल बाहर आई आंटी। अब मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो ये क्या है? पीरियड है। टॉप टू बॉटम हम आ रहे थे, ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। हालांकि फर्स्ट ग्रुप नहीं है, हमने छोड़ दिया, वैसे बता रहा हूं मैं, 3 लोग एलिमेंट्स उठाए हमने। तो एटॉमिक साइज की हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये कोई एटम है, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये कोई एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है? इस न्यूक्लियस के सेंटर से और ये वैलेंस शेल के जो बीच की दूरी होती है, इसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा या एटॉमिक साइज घट जाएगा या एटॉमिक साइज पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वैसा ही रहेगा? तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी इस न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नजदीक खींचेगा, ये नजदीक आ जाएंगे और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे कि पीरियड में कैसे इफेक्ट होगा ये। तो पहले हम बात कर रहे हैं इन ए पीरियड, इन ए पीरियड देखिएगा बेटा, इन ए पीरियड हम चले बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, ठीक है। तो मैं बोरोन और कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास ये बोरोन है, बोरोन में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 3, ये हो गया हमारे पास बोरोन। इसके बाद हम जाते हैं कार्बन पे, कार्बन में होते 6 2 एंड 4, 1 2 3 4, ये है हमारे पास, ये कार्बन है।
आप देखिएगा, इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक चीज गौर करिएगा, 5 प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, यहां 6 प्रोटॉन है हमारे पास और 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, पहले 5 प्रोटॉन की वजह से था, अब 6 प्रोटॉन की वजह से है, जबकि सेल तो वहीं की वहीं था, दो ही सेल इसमें है, दो ही सेल इसमें है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं बताऊं कि वो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको तो मैं न्यूक्लियर चार्ज बोल लूंगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहेंगे, जिस इफेक्ट के साथ ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज तो जितना इस पे है, और इफेक्टिव का मतलब ये है कि जिस इफेक्ट से इसको खींच रहा है। एक्चुअल में अगर मैं ये एग्जांपल लूं कि ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, लेकिन इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका रास्ता रोक रहा है, स्क्रीन क्रिएट कर रहा है, स्क्रीन या शील्ड बोलेंगे इसको, कि ये यहां पर शील्डिंग क्रिएट कर रहा है इसका, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में आ रहा है, ये पर्दे का काम कर रहा है, तो अब ये उतना स्ट्रॉन्गली इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यहां हम कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मान लो 10 न्यूटन फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मान रहे हैं, और 2 न्यूटन से ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इफेक्टिव कितना हुआ, 8 न्यूटन हुआ। ठीक है, वैसे तो हम ये सोचेंगे, अगर मैं ये ना कहता तो हम ये सोचते भाई 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे 2 न्यूटन से ये रिपेल भी तो कर रहा है, तो टोटल जो नेट बचा वो तो हमारे पास 80 बचा। तो हम इस चीज को कहेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस पे 6 प्रोटॉन है, इसमें 5 है, यहां से यहां गए तो 7 प्रोटॉन, यहां गए 8, यहां गए 9। मींस जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सीधी सी बात ये है। या हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव क्या हो रहे हैं, उसी सेल में ऐड हो रहे हैं, दूसरी सेल में ही हुआ। अब अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लूं तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, 1 2 3 4 5। अब बेटा देखिएगा, एक सेल और दो सेल, दो ही सेल है हमारे पास, यहां भी दो ही थी, यहां भी दो ही थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फिर से बढ़ गया, प्रोटॉन 7 हो गए, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जितना इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज उतना ही क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो अब मैं कहूंगा इन ए पीरियड, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका, क्योंकि इसके बाद तो जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वजह आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में जा रहा है लेकिन न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब मैं बात करूं इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, बेटा जब हम ग्रुप में मूव करें, पीरियड में तो ऐसे जा रहे थे, ग्रुप में बोरोन से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से गैलियम, इस तरह से मूव करते जाएंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीजेस होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वजह बता रहा हूं मैं, वजह देखिएगा, जैसे बोरोन ले लेते हैं पहले हम, ये बोरोन का न्यूक्लियस है, बोरोन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3। अब हमने बताया न्यूक्लियस से और लास्ट सेल के बीच की जो दूरी है उसको एटॉमिक साइज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच गए एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप देखिएगा ये एल्युमिनियम है, ये इसकी फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और ये हो गया इसका थर्ड सेल।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 हो गए किसमें, एल्युमिनियम में। अब आप देखिएगा कि न्यूक्लियस से और वैलेंस सेल के बीच की जो दूरी, वैलेंस सेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट जो सबसे आखिरी सेल है, बताओ कौन सा साइज बड़ा होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है। क्यों कम है, क्योंकि जब हम बोरॉन में थे तो हमारे पास दो सेल थी 1 2, लेकिन जब हम एल्युमिनियम पे पहुंचे तो 1 2 3 सेल बढ़ गई। अब ये न्यूक्लियस से, और पहले तो एल्युमिनियम में, बोरॉन में तो यहां तक थे, एल्युमिनियम में ये और इंक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे कि जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से गैलियम नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। वजह क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, यहां से यहां गए तो सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई, पहले तो सेकंड सेल तक ही था बोरॉन का, तो लेकिन एल्युमिनियम पे गए तो एक सेल और बढ़ गई, तो इतना साइज ये और इंक्रीज हो गया। When we move left to right in a period, atomic size decreases because effective nuclear charge increases and electron added to this same cell. Electron same cell में रहता है। इसी तरह से अगर मैं group की बात करूँ तो top to bottom जाएंगे, size increase होता है, atomic size increases because number of cell increases. यहाँ cell दो ही थी, यहाँ तीन हो गई, इस तरह से cell बढ़ती जाती है और atomic size भी क्या होता चला जाएगा, increase होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको पढ़नी है। थैंक यू। Thank you.